जी का जो बयान आया हुआ है विधानमंडल को चोर मंडल कहना, ये बयान को शायद उनका मस्तिष्क घुमा हुआ है ऐसा मुझे लगता है। शिंदे राउत जी जो बोलते हैं उसका उद्धव ठाकरे जी हर बार समर्थन करते हैं, सामना में वो बात रखते हैं उसका भी समर्थन उद्धव जी करते हैं, मीडिया पे बयान देते उसका भी समर्थन करते हैं और करते आए। तो आज उद्धव ठाकरे जी से अपेक्षा थी कि उनका क्या कहना है, वो पार्टी के नेता है, संजय राउत जी के नेता है, तो संजय राउत के कहने पे उनका अभी तक कोई बयान नहीं है, सारे पार्टी ने बयान दिया। उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी को अगर मान्य है संजय राउत का कहना वो बताइए, संजय राउत का कहना मान्य नहीं है तो उसका राज्यसभा का रेजिग्नेशन लेना चाहिए, जो वो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है MP है उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, क्योंकि संजय राउत उसी विधानमंडल में उसी जो मेंबर से वोटिंग से चुन के आए हुए हैं, तो वही विधानमंडल में उनका काउंटिंग भी हुआ है, वही विधानमंडल में वो चुन के भी आए हुए हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने 12 करोड़ जनता के भविष्य का रक्षण करने वाला विधानमंडल है, एक एक विधायक को 5-5 लाख लोग नागरिक वोट देते हैं, ऐसे में चोर बोलना, तो मुझे लगता है कि संजय राउत के बारे में उद्धव जी ने पहली कार्रवाई करनी चाहिए, बाकी कार्रवाई होती रहेगी। उद्धव जी ने उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, उद्धव जी ने उनके राजकीय भविष्य जो है उसके ऊपर जो है उसका राजकीय भविष्य हो, उनके जो आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा है मुझे लगता है कि उनका राजकीय जो प्रवास चल रहा है उसको बंद करना चाहिए और राजनीतिक नहीं चलना चाहिए।